आज सुबह दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठक थी, उसमें क्या हुआ? उसमें कल भी बैठक थी, आज भी बैठक हुई है और कल 22 तारीख में भी बैठक होगी। उसमें इशू ये रहा है कि अभी जो दिल्ली में जो किसान परेड जो निकलेगी, जो 26 तारीख को निकलेगी, उसमें बातचीत उनकी चल रही है। हमने उनको आउटर रिंग रोड मांगा है कि आउटर रिंग रोड पे हम चले जाएंगे, जो हमारे ट्रैक्टर हैं वे आउटर रिंग रोड पे चले जाएंगे और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन रहेगा और हम सहयोग पुलिस प्रशासन का हम करेंगे, उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करेंगे। लेकिन उसमें कल बातचीत होगी 22 तारीख में, देखते हैं कि क्या कहती है दिल्ली पुलिस। सरकार ने 1.5 वर्ष के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जबकि MSP पर कोई बात नहीं बनी है। इस पर आज किसान संगठनों के मध्य क्या निर्णय लिया जाएगा? आज पूरा निर्णय ले लिया कि हम 3 जो कानून हैं ये पूर्ण रूप से रद्द होंगे। MSP पे कानून बनेगा और जब भी यहाँ से किसान पूर्ण रूप से वापसी जाएगा, ये पूरे किसान संगठनों ने ये निर्णय लिया। भारत सरकार के साथ कल होने वाली मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या भारत सरकार से MSP पर भी बात बन सकती है? MSP पे बात करेंगे कल और ये एक बहुत अहम इशू है कि MSP पूरे देश के किसानों को मिले, उसका लाभ मिले, और कल भारत सरकार से इन इशू पर चर्चा करेंगे और जो 3 बिल हैं ये बिल रिफिल करने पे भी हम बात करेंगे। 26 जनवरी को आपका देश के और देश वो आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? 26 जनवरी को ये है कि जो लोग दिल्ली आ सकते हैं वे लोग दिल्ली आए, जो लोग दिल्ली नहीं आ रहे वे आप अपने जिलों में ट्रैक्टरों के साथ में, तिरंगे के साथ में, नेशनल फ्लैग के साथ में, वे ट्रैक्टरों से अपने जिलों में उसका रूट बना के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या तहसील हेडक्वार्टर पर वहाँ तक किसान अपना उसका मार्च करें। ये 26 तारीख के लिए सब लोग साथ में। अच्छा, कहीं से कुछ लोगों के द्वारा ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि किसान आंदोलन में 2 फाड़ हो गया है। नहीं, इस तरह का कोई वो नहीं है, कोई 2 फाड़ आंदोलन में नहीं, एक है। और पूरा जो आज जितनी भी जत्थेबंदी थी उनका सबका निर्णय रहा है कि हम 3 बिल वापसी पे ही सरकार से बात करेंगे, MSP को लाभकारी मूल्य का कानून बने इस पर हम बात करेंगे